अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। मेरे जैसे लोग रिकॉर्ड लगाएंगे ना, टाइट करेंगे इनको बंदे का पुत्र बना के। ये इज्जत से मानने वाले नहीं, जैसे इमरान खान चलाता था ठुड्डे मार मार के, ये उसी तरह चलते हैं। क्रिकेट इज्जत से थोड़ी जीतेंगे, ये इज्जत से नहीं, इनकी बेइज्जती करो ये अगला मैच जीतेंगे, मैं आपको गारंटी बता। और भिखारियों थोड़ा टाइट हो जाओ, अभी और भी मैच बाकी है। वो वीडियो देखें, आप देखने के बाद अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। तोबा तोबा बहनचो, कभी जिंदगी में तुम लोग ना जीतो अपने बाप से। यार मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या। टीवी फोड़ो टीवी। तो जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात। पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की जापान एक नई हिस्ट्री बना गई है जिस पर भारत के आम लोग गर्व कर सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे वीडियो को रीच मिले, वायरल हो सके। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद जय भारत। छक्का लगाया और इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है। उनजी बड़ा दुख पहुंचा कि इंडिया को हार गया एशिया कप के विच, हारन दी शिकस्त के विच मैं हूं टीवी। यार मुझे ले जाते दुबई, मुझे खिला देते क्रिकेट मैच, स्कोर तो मैंने भी बाबर आजम जितना ही करना था भाई। ऐसे ही खड़े रहता तो गलती से 10 रन बन जाते, कुछ यहां से निकल जाती कुछ वहां से निकल जाती। यार वैसे जो है ना, पहले कम से कम ये है कि पाकिस्तानी कौम में शर्म होती थी। मेरी कौम में शर्म थी, हया थी, अब वो भी मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि बेस होती जा रही है कौम मेरी। यार एक गेम हम खेलते हैं क्रिकेट, एक गेम मुश्किल से इंडिया के साथ खेलने का एक दफा साल में या 2 दफा मौका मिलता है। यकीन करो पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है कि आप नीदरलैंड से जीत के आए हो या आप जिम्बाब्वे से जीत के आए हो या नहीं जीत के आए हो। 2 साल में एक दफा जो तुम्हें मौका मिला इंडिया से खेलने का, अपना भरपूर खेल पेश करो। कल मैं देख रहा था मीडिया पर भी रिपोर्टें आ रही थी, अवाम मुतमईन है पाकिस्तान हार गए, अवाम मुतमईन। कुछ शर्म कर लो यार, यानी 25 करोड़ में से आप लोगों को यार 11 खिलाड़ी ठीक नहीं मिलते। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। क्या हो यार, क्या तुम लोग कर रहे हो यार ड्रामे। तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, बस फिर हारो। मैं देखो इंडिया वालों की इतना रगड़ा लगाता हूँ ना, इंडिया वालों का सबसे ज्यादा मैं वहां पर मशहूर हूँ, एक मैं और एक वो फिजा। कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत। और कोई इंडिया का रगड़ा नहीं लगाता, हर आदमी घबराता है उनका रगड़ा लगाते। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्रिकेट के अंदर। यार आप बोलो शाहीन शाह, यार शाहीन शाह अफरीदी होता तो तुम कौन सा जीत जाते। मैं स्टैंप पेपर पे साइन करके देता हूँ फिर भी हार गया। सिलेक्शन नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है, कोई बात करने का अंदाज नहीं है। इमरान खान कम से कम कैप्टन होता था यार, टीम का इंग्लिश बोलता था, बंदा कहता था यार क्या बात, बंदा शक्ल देता। क्रिकेट टीम वालों को देखो यार, ऐसे लगता है यार वो सुबह नाश्ते पे जो होटल आके होटल में लड़का पूछता है ना फ्राई अंडा ऑमलेट टोस्ट, ये वो वाले लड़के भेज दिए। यार मतलब कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। अफगानिस्तान का एक बंदा है जो कि पाकिस्तान के मैच हारने की खुशी में जाकर इंडिया के खिलाड़ी को बोसा देता वीडियो के अंदर, वो टीवी के अंदर कहता कि बहुत अच्छा किया आपने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इस बारे में छोटी सी मैं आपको क्लिप है, वो वीडियो देखें, आप देखने के बाद अपनी राय का इजहार करें कि आप क्या समझते हैं। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा। टीवी फोड़ो टीवी। हमारा क्या कहते हैं अफगानिस्तान भाई है, ये अफगानिस्तानी है ये तो। और ये देखो हमारा मुसलमान होके ये क्या कर रहा है, हालांकि ये इसको सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क से इसको क्या कुछ मिलता है, और वो मुसलमान भाई है और इंडिया के में जाके उसको पिया जो कर रहा है तो कितना गलत काम कर रहा है। फिर ये मुसलमान होके काफरों के साथ इस तरह करे। आपने सबसे पहले घबराना चल क्लिप देखते हैं। एक तो मोहब्बत होती है ना कि किसी भी देखे ना मोहब्बत यहाँ पे तो नहीं ना जित ले जाती, मुसलमान भाई हो गए तो मोहब्बत इस तरह जित लाते हैं, इस तरह तो नहीं ना मोहब्बत जित लाई जाती है। वैसे देखा जाए तो हमारे हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ, हमारे मजहब में भी ये चीज नहीं लिखी हुई कि हिंदू हो तो उससे नफरत करो, ये भी तो नहीं ना लिखा हुआ। हाँ वो तो ठीक है, हम नफरत वाली बात तो करते नहीं है। झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो सही बात है।
मैच में क्या दो तीन रन से या क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें कोई ये तो नहीं ना कि हम पीछे रह गए क्या कहते। अगर आपकी तरह करेंगे ना, तुम जीते या हारे तो बेइज्जत होके वापस आएंगे हार के। मतलब आप समझते हैं कि ये इसको कह रहे कि ये जो अफगानी ने ये काम किया बिल्कुल गलत किया। बिल्कुल ये गलत किया। हम थोड़े लेट आए लेकिन आए तो भाई। क्या ले भिखारियो, कैसा दिया रे कल का डंडा। तोबा तोबा बहन चो, कभी जिंदगी में तुम लोग ना जीतो अपने बाप से। जो पठान बूढ़ा हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई है, लेकिन तुम लोग का इंडिया से ना जीत पाओ भाई। यही हमको अच्छा लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे हिंदुस्तान को दोस्तों, और अफगानिस्तान को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अफगानिस्तान ने भी श्रीलंका को ऐसा डंडा दिया ना, ऐसा धोया सालों को। और इंडिया ने भिखारिस्तान को धोया, बहुत मजा आया दोस्तों। लव यू ऑल। और भिखारियो थोड़ा टाइट हो जाओ, अभी और भी मैच बाकी है। बंदे का पुत्र बना के ये इज्जत से मानने वाले नहीं, जैसे इमरान खान चलाता था ठुड्डे मार मार के, ये उसी तरह चलते हैं। क्रिकेट टीम सियासत नहीं तो ये ठीक चलते हैं, तो इज्जत से थोड़ी जीतेंगे, ये इज्जत से नहीं, इनकी बेइज्जती करो ये अगला मैच जीतेंगे, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती है। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।